फ्रेंड राहुल एंड आई होप आप लोग सब खुशी में हैं, मज़े से हैं, जहाँ भी हैं। एंड दोस्तों, आज एक बड़ा सरप्राइज है। आई फाइनली गॉट अ न्यू कैमरा, नॉट फॉर मी, माई कज़न, बट आई कैन डू द अनबॉक्सिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा निकॉन D7500। सो इसका कॉस्ट अराउंड जानेंगे वीडियो के आखिरी में। सो प्लीज़ बने रहिए एंड प्लीज़ वीडियो पूरी तरह से देखिए, नो स्किप। एंड स्किप करेंगे तो जानेंगे नहीं, बहुत सारे डिटेल्स मिस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो पे। हमारे ये सारे प्ले लिस्ट चेक कीजिए जो भी आपके इंटरेस्ट के लायक है। एंड अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकॉन। ओके गाइज, सो टेक केयर गाइज, चेक आउट द वीडियो नाउ। हाय दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे राहुल मोटो ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त राहुल। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक नया कैमरा आया है जस्ट रिव्यू के लिए। एंड इसका नाम जो है D7500 निकन की तरफ से। एंड इसमें लेंस आता है 18x140 VR किट। तो इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है इनबिल्ट। इसमें 16 GB का मिलता है, कैरी केस मिलता है, एक पैक मिलता है। एंड इसको हम लोग ओपन करके देख चुके हैं कि कैसा है क्या नहीं। एंड जस्ट रिव्यू के लिए मैं आपके पास आज ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में बताऊँ। इसमें 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, मैं बताना चाहूँगा आपको। ये 4K इस रेंज में जो 75,000 से 86,000 के अंदर, 90,000 के अंदर जो है ये कैमरा 4K इसमें है। इसका वेट ऑलमोस्ट 5.6 ग्राम्स का है, तो काफ़ी हल्का है। अगर इसके प्रीडिसेसर से देखेंगे जो कि पहले वाले थे 7200, तो ये काफ़ी लाइट है वेट में एंड आपको कैरी करने के लिए ईजी है। तो अगर खोलने से ऐसे आपको कुछ यूजर मैनुअल्स मिलते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है या फिर मुश्किल में पड़ते हैं ऑपरेट करते वक्त। फिर आपको ये मिलता है बैटरी का, जो रिचार्जेबल बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए किट है। फिर जो एडाप्टर है एंड ये उसका केबल है, कुछ चार्जिंग में आपको काम आता है। एंड इसका जो है बैटरी थोड़ा सा बड़ा है इसके जो बाकी वर्जन से उसमें, और ये कुछ एडाप्टर्स हैं वीडियो के लिए। एंड ये जो है लेंस हमारा 18x140, तो इसमें आपको 23mm x 15.6mm का फोकल लेंथ मिलता है, जो सेंसर है। एंड SD कार्ड मिलता है, अप टू 512 GB एक्सटेंड कर सकते हैं आप। एंड इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, 140 तक आप एडजस्ट कर सकते हैं इसका जो लेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 18। एंड इसमें ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, तो अच्छा है। फिर इसका जो बॉडी है महसूस कर सकता हूँ, बहुत लाइट है। एंड इसको ओपन करते ही आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट है। एंड थोड़ा सा बहुत मार्क हुए हैं हाथ के, क्योंकि हम लोग इसको ओपन किए थे चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं। एंड इसमें ये स्ट्रैप मिलता है आपको, आप इजीली इसको लगा सकते हैं, कुछ इसमें मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये है निकॉन 7500। इसमें ISO 100 से लेके 51,200 तक मिलता है, तो काफ़ी अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका 3.5 का जो LCD है इसको आप 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। HDMI केबल मिलता है इसमें, USB मिलता है, माइक लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है हेडसेट लगाने का एंड यहाँ पे माइक लगाने के लिए। फिर SD कार्ड लगा सकते हैं इजीली एंड आपका बैटरी भी डाल सकते हैं। फिर तो काफ़ी इजी है प्रोसेस इसमें हैंडल करना एंड इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, प्राइस भी 86,000 ओनली है। सो ये परफेक्ट है रेंज में, ये सारी चीज़ें मिलते हैं इसमें। आप इसमें 4K अल्ट्रा HD शूट कर सकते हैं, आप 24 FPS एंड 50 FPS इन 1980 लाइक 1920 फुल HD में। तो कैसा लगा बताइएगा आप। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।